नमस्कारम, वेलकम टू वन मोर व्लॉग फ्रॉम केरला ट्रैवल सीरीज। और आज मैं आया हूँ अलपी, या आप कह लीजिए अलपुरा। और यहाँ पे आप जानते ही हो, हाउस बोट केरला के बैक वाटर्स आपको मिलता है हाउस बोट का एक्सपीरियंस। मैं आपको बता नहीं सकता ये वाला मेरा कब से पेंडिंग था, बट आज फाइनली ये मौका आया है कि आपको मैं केरला बैक वाटर्स का एक हाउस बोट एक्सपीरियंस दिखा पाऊँ। तो बता दूँ, हमने हायर किया एकदम लग्जरी हाउस बोट, और पूरा व्लॉग देखिएगा बिकॉज इस वाले व्लॉग में आपको सब डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। एंड दिस इज़ केरला, गॉड्स ओन कंट्री। तो चलिए, थोड़ी सी स्माइल के साथ, एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, देखने में कितना सही लगता है ना। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीस। आज मैं एक नंबर, आप देखिएगा, एक नंबर व्लॉग बनाएगा। एक्साइटमेंट कितना है मैं आपको बता नहीं सकता। ये चीज़ मैं कब से वेट कर रहा था। सबसे पहले करंट टाइम देख लीजिए, अगर ये विजिबल हो, दिस इज़ 2:30। और जो आप पीछे हमारी हाउस बोट देख रहे हो, थोड़ी देर में हमारा सेलिंग टाइम यहाँ से शुरू होने जा रहा है। और ये वाला एक्सपीरियंस मैं अकेले नहीं करने वाला, मेरे साथ मौजूद है, व्हेन यू आर इन केरला यू हैव टू ट्रैवल विद #केरला गाइड। सर, सबसे पहले हम अपनी लोकेशन जानना चाहेंगे, करंटली हम कहाँ हैं? हम अभी खड़े हैं पल्लातुर्ती करके जगह है, दिस इज इन एलेपी। एलेपी और आलप्पुझा एज इट इज नोन इज द what you call it, it's just a backwaters place है। Yes. And it is known as the Venice of the East। जैसे गोंडोला से विनीस में, ऐसा ही इधर ये हाउस बोट, इसको बोलते हैं हाउस बोट, पूरे वंजी बोलते हैं। और सर एक और नाम है, राइस कैपिटल, राइस बाउल। ये कुट्टनाड, ये जगह है कुट्टनाड, है फेमस फॉर राइस, स्टेपल फूड इज राइस, एंड दिस इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ केरला। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कुट्टनाड, यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ बोट्स आर देयर लाइक दिस। और जैसा मैंने आपसे कहा, इंटीरियर कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आपको इस वाले व्लॉग में दिखाया जाएगा। बस थोड़ी टाइम में हमारा सेलिंग टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट सर रूल है, टिल 5 और 6 इवनिंग तक आप सेलिंग कर सकते हो, उसके बाद बोट यहाँ पर वापस खड़ी हो जाती है। और ये आलप्पुझा का मतलब है, ये बहुत नदियाँ इधर मिलती है सागर के साथ। Yes. इसका संगम भूमि है आलप्पुझा करके, उसका नाम हो गया, पुझा मीन्स नदी। सब कुछ पहले सेलिंग स्टार्ट करने दीजिए, फिर आपसे आगे बातचीत करते रहेंगे। बस हेडफोन लगाए रखिए और हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए केरला। यहाँ पर हमारी सेलिंग चल रही है केरला के बैक वाटर्स। ब्यूटी देखिए, एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इसकी। तो आप देखिए, जितनी तारीफ की जाए, यहाँ भी आप बोट देख सकते हो, वहाँ पर भी आप हाउस बोट देख सकते हो, इसके लिए शब्द नहीं है, नेचर ही नेचर। एंड दिस इज़ अलपी बैक वाटर्स, आपसे इन शॉर्ट कह सकता हूँ मज़ा आ रहा है। देखिए चेटा हमारी हाउस बोट चला रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। एक घंटे की फर्स्ट क्लास हाउस बोट राइड करने के बाद अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर आप देखोगे, ये एक ब्रिज इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। और सर इस एरिया का नाम क्या है? कुट्टमंगलत्ते वट्टकायल, बिकॉज़ ऑफ द शेप, आकृति। और उतना ही नहीं, ये कुट्टनाड एरिया में आता है, ये कैनेरी पंचायत का एक जगह है। बोट का राइड के बाद हम अभी इधर, इतना ब्यूटीफुल, इतना मूवीज में आया ये सब जगह, यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस।
आप देखिए, बिकॉज दिस प्लेस इज कनेक्टेड बाय रोड ऑल्सो. आप जगह देखिए यहाँ पे, तो अब ये क्या धीरे धीरे यहाँ पब्लिक बढ़ेगी. घर है, छोटे छोटे घर है, हर एक घर को एक नौका है, क्या है, बोट है, छोटा बोट है. सोच इवनिंग में यहाँ पर आइए, आपको तो क्या सुकून मिलेगा. हमारी हाउस बोट देखिए, बट यहाँ पर आप स्पीड बोट भी कर सकते हो. स्पीड बोट करंटली हम करने वाले नहीं. पॉइंट हम बोल रहे थे ना, आप देखिए क्या 6 feet बिलो द सी लेवल. इधर का पैड ही सब है ना जो ग्रो करते हैं कुटना. 6 feet बिलो द सी लेवल, इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड. इधर भी ऐसा है तो मालूम नहीं. 6 feet बिलो द सी लेवल इधर कुटना ओनली. बट ये कहना पड़ेगा यहाँ की आप वाइब देखिए. इतना ही कह सकता हूँ, दिल जीत लिया केरला. दिल जीत लिया. जर्नी हमारी फर्स्ट क्लास चल रही है. और आपको बता दूं, जो पैकेज हमने लिया है उसमें फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है. तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कॉस्टिंग आपको आगे बताई जाएगी. शाम होने लगी है, सनसेट होने लगा है. और यहाँ पर हमारे लिए सर ये है वेम्बनाड कायल. हाँ, जैसा कथकली, आयुर्वेदा, कलरी पैटू केरल का स्पेशल है, भारत के लिए देन है. ऐसा ही है वल्लंगली, उधर से दिखता है पुन्नमड़क कायल. पुन्नमड़क कायल में वो स्नेक बोट का रेस चलता है, चुंडन वल्लंगली बोलते हैं. ऐसे ही इधर हम अभी खड़े हैं, बिगेस्ट लेक इन केरला वेम्बनाड कायल. इट लुक्स लाइक ए सी, यू कैन जस्ट सी इट, फुल सी वेम्बनाड कायल. यस, वी आर एंजॉयिंग इट एमिड्स जस्ट स्टैंडिंग इन द वेम्बनाड कायल साइड. सी टी और रूज, इट लुक्स लाइक ए ओशन. यस, टी कॉफी, ओनियन पकौड़ा, टी कॉफी प्लस ओनियन पकौड़ा. सर मैं तो बोलता हूँ म्यूजिक और लगाते एंड वी विल डांस टुगेदर. सर व्हाट यू से, मजा आए. बट यहाँ पर आप बोट्स देखिए सर, बोट्स कितनी है, मतलब बड़े साइज, छोटा साइज जैसा भी आपको चाहिए बोट्स देखिए. आपको पूरा अभी प्रीमियम बोट्स आर देयर, अभी पूरा इंटीरियर बाकी है. स्मॉल बोट्स आर आल्सो देयर. यस, इंटीरियर बाकी है, अभी आपको पूरा इंटीरियर दिखाया जाएगा. थोड़ा सा इंतजार. सेलिंग हुई ख़त्म. अब देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इवनिंग हो चुकी है. एंड हैशटैग केरला गाएगा, आपको बता दूँ, बीइंग इन केरला इन्होंने पहली बार हाउस बोट का एक्सपीरियंस लिया है. सर आपका तजुर्बा कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया था. इट वॉज एक्सलेंट, वो फन, फुल डे एन्जॉयड लाइक एनीथिंग. द नेचर, द ब्यूटी ऑफ द बैक वाटर्स, माने कायल बोलते हैं मलयालम में, एंड द ग्रीनरी. It was excellent. This is a place of backwaters. Yes. अब चलिए. And for houseboats, more than 1,700 houseboats are there. We came to know. Yes. अब इससे पहले और अंधेरा हो, अब बनता है आपके लिए पूरा इंटीरियर ऑफ दिस हाउस टूर. जल्दी से अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या है, वॉशरूम्स वगैरह. yes. सब कुछ इन डिटेल. अब देखिए इंटीरियर. yep. आप देख सकते हैं हमारे हाउस बोट्स की लाइट्स ऑन कर दी गई है. यहाँ पर आप देख लीजिए सेलिंग का है. अब सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो पूरा सिटिंग का सेक्शन दिया गया है. आप देख सकते हो सब यहाँ पर आप बैठ के लंच, डिनर, जो भी आप करना चाहें. इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको AC दिया गया है. यहाँ पर ये TV हो गया, प्लस आपको ब्लूटूथ कनेक्शन दिया गया है जो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर सब लाइट्स का, प्लस चार्जिंग पॉइंट. मैंने अपने कैमरे की बैटरी चार्जिंग पर लगा रखी है. इस तरफ अगर आप देखोगे फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको यहाँ पर CCTV कैमरा भी दिया गया है. आपके लिए लाइफ जैकेट्स हो गई, और प्लस यहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी. आप सब देख सकते हो पूरा इंटीरियर यहाँ पर कितना ये सही लगता है. अंदर चलेंगे, या आप ये गैलरी देख लीजिए. इस तरफ ये गैलरी हुई. सबसे पहले मैं आपको दिखा बता दूं, जो हमने ये बोट ली है इसमें एक ही रूम है. तो ये देख लीजिएगा, ये जो हमने रूम, ये हमारा रूम. लाइट्स देखिए, और आप क्लीननेस यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा. ये देखिए रूम दिया गया है, इसमें भी आपको AC मिलेगा. यहाँ पर फ़ैन हो गया, चार्जिंग पॉइंट वगैरह. ये हमने डबल बेड लिया है. सब लाइट्स देख लीजिए, स्पेस देख लीजिए. यहाँ पर मैंने अपना पूरा लगेज वगैरह जो आप रखना चाहें, यहाँ पर भी आपको विंडो वगैरह सब कुछ दिया गया है. और ये हो गया आपके लिए अटैच्ड वॉशरूम, आपको इसमें मिलेगा. सब आप देख सकते हो. मैंने चेटा से पूछा है, वो बता रहे हैं गर्म पानी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल किया जाएगा. ये हो गया. इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर ये शावर का पूरा ऑप्शन दिया गया है. वॉशरूम में तो आप देखूँगा, क्लीननेस वगैरह आप सब देखना चाहें वो देख लीजिए. इस तरफ पूरा, अगर मैं आपको एक बार वाइड लेंस में दिखाऊँ, ये देखिएगा,
ये आपका रूम प्लस वॉशरूम। अब इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये इन्होंने वॉश बेसिन दिया है हाथ वगैरह धोने के लिए सब कुछ। आप यहाँ देख सकते हो ये मिरर वगैरह हो गया। ये पीछे की साइड है, दिस इज़ द किचन। यहाँ पर जो अन्ना रहते हैं वो सब खाना वगैरह जो हमारे लिए बनाते हैं इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फ्रिज वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो, ये खाना वगैरह जो बनाते हैं वो यहाँ पर है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस तरफ चलेंगे, ये हो गया वापस गैलरी। गैलरी में आप देख सकते हो विंडो वगैरह। अब इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर का ऑप्शन और दिया गया है, वो है फर्स्ट फ्लोर का। मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी अगेन एक गैलरी टाइप सेक्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर बैठकर भी अगर आपको चाहिए आप खाना पीना कर सकते हो, बातें कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, जिस जैसे भी आप आ रहे हो। प्लस यहाँ पर आपको एक ओपन गैलरी का ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख लीजिए इनकेस आप चाहें। ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये है ओपन गैलरी का ऑप्शन, ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ओपन पूरा मिलता है। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे आपको मिलता है गैलरी का ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको पूरा एसी दिया गया है, बिकॉज केरला का वेदर आपको पता ही है, यहाँ पर थोड़ा ह्यूमिड ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वो सब ऑप्शन है। एसी की क्या क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बिकॉज इतने सारे एसी हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये देखिएगा एक बार आके पूरा यहाँ पर फिर से आप बालकनी या गैलरी आप देख सकते हो। आपको हाउस बोट, इस वाली हाउस बोट का टूर कैसा लगा ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमने यहाँ पर चेक इन किया था 12 बजे के आसपास, और चेक इन करते ही हमको वेलकम ड्रिंक दी गई थी, प्लस लंच भी सर्व किया गया था, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन लंच मैंने आपको नहीं दिखाया। करंट टाइम देख लीजिए, दिस इज 8:15, और यहाँ पर अब लाजवाब डिनर सर्व किया गया है, और वो भी बिल्कुल जो मैंने किचन आपको दिखाई थी बिल्कुल फ्रेश, वहाँ पर हमारे लिए एकदम गरम गरम बनाया गया। यस सर, यस। इतने लंबे दिन के बाद, थोड़ी बहुत थकान के बाद, यस, अब डिनर तो बनता है हॉट हॉट। यस, और सबसे पहले आपके लिए एक फूड नामा, और बिकॉज केरला गाइस विद मी तो आज का फूड नामा स्पेशली आपके लिए केरला गाय देने वाले हैं। शुरू करें फूड नामा की, कुछ बोला तो करो, हाँ या ना कुछ बोला तो करो। उम्मीद है आप ये वाला ब्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हो नहीं तो समझ गए ना सर, आज फूड नामा आप करने वाले हैं। या, ठीक या, है या, या। यस, और यहाँ से हमारा फूड नामा शुरू होने जा रहा है। यस सर, क्या क्या है? केरला परिपु दाल, एकदम गर्मा गर्म, आप देखिए एकदम गर्मा फ्रेश। यस, नेक्स्ट इधर स्पेशल केरला स्पेशल परोटा, इधर കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്। और इस तरफ सर ഇത് മുട്ട ദോശ ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇത് ഉഗ്ര സാധനമാണ്, ഇപ്പ ചെയ്തു കൊണ്ടതാണ്। और यहां पर ചപ്പാത്തി, ഞങ്ങളെ ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി, ഇയാൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മളെ ഡോളേഷനെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം। ഇത് കപ്പപ്പുഴുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, കപ്പ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ, കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു ഭക്ഷ്യമാണല്ലോ, ചൂട് ചൂട് കപ്പപ്പുഴുക്ക്, അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഈ മുളക് ചമ്മന്തി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ചമ്മന്തി, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ। तो आप वाइड लेंस में एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये है हमारा आज का पूरा नाइट का डिनर, और वाकई में इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, बिल्कुल फ्रेश। और जैसा मैंने आपको बताया हमारी जो बोट में ही जो पीछे किचन है वहाँ पर फ्रेश बनाया गया, आप देख लीजिए। इन केस अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर नॉन वेज नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नॉन वेज में चिकन भी है, फिश भी है, बिकॉज हम दोनों हैं सर वेजिटेरियन, एग्स अलाउड है, तो ऑमलेट खा सकते हैं। सर जरा खाना बताइए कैसा है? अरे एक्सेलेंट, स्पेशली दाल है ना, हाँ, वेरी फ्रेश एंड टेस्टी, एकदम गरमा गरम, एकदम गरमा गरम, बिल्कुल। मुर्गे चम्पन्दी भी अच्छा है, अच्छा है ना, मैं पहले बार खा रहा हूं, बट यू आर एंजॉयिंग द फूड, एंजॉय, करेक्ट। यहां पर आपको बता दूं पास में इधर देसी का है, हां हां, बहुत अच्छा। यस, तो यहाँ पर पास में ही अलपे बीच है, अगर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ भी जा सकते हैं, हमारा कोई मूड था नहीं। आप सोचिए हम बोट पर बैठ के, हाउस बोट में बैठ के अपना डिनर कर रहे हैं, एंड दिस इज लाजवाब। बोट थोड़ा बहुत शेक होती है, बट इट इज, दिस एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। तो आप डिनर कंप्लीट करेंगे सर, आराम से जरा खाने दीजिए, और फिर आपसे हम मिलते हैं, एंड सर इज हैविंग फन। अब यहाँ पर और कुछ करने के लिए है नहीं, सबसे अच्छी बात हमारे रूम में अब एसी ऑन कर दिया गया। अब आपको बता दूँ जो पैकेज हमने लिया है दैट इज़ स्टैंडर्ड, जो मैंने पे किया है वो है अराउंड 7,000 rupees फॉर वन नाइट, जिसमें फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, एसी इंक्लूडेड है सिर्फ और सिर्फ बेडरूम, मतलब इस रूम में, और वो भी सिर्फ नाइट के लिए। तो एसी के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। यहाँ पर दो रूम्स वाली बोट भी हैं, तीन वाली भी हैं, चार वाली भी हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। बुकिंग्स आप ऑनलाइन कर सकते हो, एयरबीएनबी कर सकते हो, booking.com के थ्रू कर सकते हो, या मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब कुछ और डिटेल्स रह गई हो तो आप या तो कमेंट कर दीजिएगा, या मुझे कमेंट इंस्टाग्राम पर आप DM
कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं आपसे ये कहूँगा, फिलहाल के लिए इतना ही। यस सर। यस, आलप्पुझा पुरवंजील निन्न शुभरात्रि, गुड नाइट। आपसे कल मुलाकात होगी हमारी, और आई एम श्योर सर जो सुबह हमको व्यूज मिलेंगे, यस, विल बी अनदर साइड ऑफ द ब्यूटी। यस, और कॉस्टिंग का मैंने आपको बताई दिया, अगर आपको पूरी बोट में एसी ऑन चाहिए तो उसके लिए यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स है आप प्लीज कमेंट कर लीजिएगा। ओके, यस यस, एनी डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड बाय आवर डोलेशी। यस, फॉर नाउ टाटा, गुड नाइट। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे टू फ्रॉम केरला बैक वाटर्स हाउस बोट एक्सपीरियंस, और दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो नहीं सकती। और आपको बता दूँ, कल हम जहाँ जिस डायरेक्शन में गए थे, आज हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमको एक घंटे की सेलिंग अभी और कराई जाएगी। और मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ, अगर आपने ये अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है, सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ का तो मज़ा ही अलग है। आप सब बोट्स देखिए, जितनी बोट्स थी वो रात को सब साइड पर पार्क कर दी गई थी, अब वापस बोट्स निकल पड़ी हैं एक डेढ़ घंटे की सेलिंग के लिए। बट व्हाट अ मॉर्निंग, मतलब मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, केरला आके आ गया मज़ा। और एक बार फिर से हम केरला बैक वाटर्स में निकल चुके हैं। आप ये एक्सपीरियंस मतलब खुद यहाँ आके कीजिए, तब आपको पता लगेगा यहाँ की ब्यूटी क्या है। आप ये एक्सपीरियंस देखिए, हाउस बोट पर केरला बैक वाटर्स, और सुबह सुबह अब हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है, और जो बनाया गया है बिल्कुल फ्रेश पीछे किचन में। सर जरा बताइएगा ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। सांभर, हाँ, ऑमलेट दी गई है। मेरे को चाहिए प्रोटीन। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको ऑन बोर्ड वाईफाई नहीं मिलेगा। टी कॉफी जो भी आप लेना चाहें। यस सर, रात को नींद कैसी आई? अरे अच्छे तरह से सोया, वो बिकॉज एसी वाज देयर ना, तभी मालूम पड़ा कि सोया करके। वेदर की वजह से एसी में मजा आ गया। यस, श्याम सुंदर केर केदार भूमि ആണ് ഇത്, കുട്ടരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുത്, ചെറിയ രാജ്യം. അതുപോലെ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ നെതർലാൻഡ്സ് ഓഫ് കേരള. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ്, നോട്ട് ഓൺലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്രീനറി പ്ലസ് ദിസ് തിങ് ഓൾസോ. अब यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट अपना एंजॉय करेंगे, बिल्कुल क्या फ्रेश देखिए आप, बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर हवा चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हवा, और देखिए ऐसी पता नहीं कितनी बोट्स यहाँ पर क्रॉस होती है, सनराइज़ होते हुए आप देख सकते हो। दिस एक्सपीरियंस मतलब इतना ही कह सकता हूँ आपको, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। कपल्स आप देख सकते हो जो शायद यहाँ पर हनीमून्स के लिए आए हैं, लाजवाब। घूम घाम के वापस आ गए यहाँ पर। अब जो चेकआउट टाइम है वो है 9:30 के आसपास। सर आउट ऑफ 10 आप कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे? अरे आई विल गिव एटलीस्ट 9.5। यस, मजा आ गया ना? मजा आ गया। हाँ, अब आपको बता दूँ, यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं अपनी हाउस बोट से। अगर आप सोचोगे अबाउट द कनेक्टिविटी, अलप्पी बस स्टैंड भी है, अलप्पी स्टेशन भी है, आप वहाँ से बोर्ड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। दिस इज पल्लातुरुती। यस, मजा आ गया। एंड इफ देयर इज अ हेवन ऑन अर्थ, इट इज दिस। सर, अलप्पी और आलप्पुझा। और ये बात, और ये हमारे साथ सुमेश भाई, जिन्होंने हमको सब, जिनकी जो बोट्स हैं चार या पांच बोट ये इनकी हैं, तो इन्होंने हमको सर्विसेज प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच चेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ठीक है, तो बस उम्मीद है आपको इस व्लॉग में मज़ा आएगा। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे साथ वर्चुअली केरला एक्सप्लोर करते रहिए, बिकॉज दिस इज़ गॉड्स ओन कंट्री। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 था। सुंदरता का बयान नहीं किया जा सकता। एक घंटे की फर्स्ट क्लास हाउस बोट राइड करने के बाद अब हम, सर ये कौन सा एरिया है? सर ये वट्टमंगलत्ते कुट्टक, नहीं छोड़ छोड़ दी छोड़ दी।